गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स क्लास 32। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो मेरी बहुत सारी वीडियोज में यही कॉमेंट आता है कि मैं धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैं फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। बनती बहुत ही ज्यादा जल्दी है ये, बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। अगर एक बार में आपको समझ ना आए तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा बहुत ही ध्यान से। सबसे पहली बात कि मैंने सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ये मैंने बिना मोहरी के आप लोगों को बताया, क्योंकि इसमें ऐसे तिकोना सा पार्ट होता है नीचे की तरफ। और अगर आपको मोहरी वाली धोती सलवार सीखनी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वो भी मैं इंशाल्लाह से आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसको बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर का ये कपड़ा लिया है। अगर आपकी लंबाई 36 इंच से कम है तो आप इसे 2 मीटर में भी आराम से बना लेंगे। तो इससे अगर ज्यादा है तो आपको 2.25 या फिर 2.5 मीटर का कपड़ा लेना होगा। ये हमारा सलवार का फैब्रिक है, नॉर्मल जो भी हमारी कुर्तीज के साथ फैब्रिक आता है मैंने वही लिया हुआ है। अब इसको हम पहले तो अच्छे से खोल लेंगे, और इसका जो उल्टा वाला साइड है, यानी कि कपड़े का ये उल्टा वाला साइड है, तो हमेशा जब भी आपको कपड़ा बिछाना है उल्टा करके ही बिछाना है। इसको सबसे पहले हम बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से आपको पूरा इस तरीके से बिछा लेना है। अभी हमने केवल इसको एक बार बीच में से फोल्ड किया है। अब इस कोने से आपको इसे इस तरीके से पकड़ना है और हम इसे तिरछा मोड़ेंगे, जैसे हम ओरेप कपड़ा मोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही इस कपड़े को इस तरीके से। तो इस कपड़े को आपको देखिए बिल्कुल इस तरीके से तिकोना फोल्ड कर लेना है। बीच में कोई भी सिकुड़न, कोई भी सिलवटे नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला जो साइड है हमारा बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ये हमारा ओरेप वाला कपड़ा है, और ये वाला जो साइड है हमारा, यहाँ पर हमारी लंबाई आएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा नजर आ रहा है, तो ये हमारा आड़ा कपड़ा होता है। इसको हम एक सीधा स्केल रखेंगे और यहाँ पर एक सीधा निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ पर हमारा, वो हमारा कटिंग हो गया है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सीधा कपड़ा भी आ सकता है, अगर आपका बिल्कुल सीधा आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा तिकोना वाला पार्ट है, यहाँ पर से बिल्कुल आप इंच टेप रखें और इस वाली साइड की तरफ आपको लंबाई का नाप लगाना है। तो लंबाई हमारे पास जो है सलवार की वो है 36 इंच। इसमें आपका जो भी एग्जैक्ट नाप है वो ही रखना है आपको। यहाँ पर हमारा 36 इंच है। वैसे हम अपना बेल्ट का जो नाप होता है वो निकाल देते हैं, पर इस वाली सलवार में आपको इसमें कोई भी बेल्ट का अलग से नाप नहीं रखना, क्योंकि ये हमारी सिलवटे आ जाती है और इसकी जो प्लेट्स डलती हैं वो भी बिल्कुल अलग तरीके से डलती है। इस लड़की से सच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे, और अलग से यहाँ पर हम बेल्ट भी बनाएंगे जितनी हम नॉर्मल बेल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर 36 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। अब नीचे वाली साइड की तरफ यहाँ पर हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इसके ऊपर आपको कितनी ओपनिंग रखनी है, तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच की ओपनिंग रखूंगी। यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। आप 6 इंच 6.5 इंच रख सकते हैं, अगर हेल्दी लेडी के लिए बना रहे हैं तो आप 7.5 तक इसको ले जा सकते हैं। तो ये दोनों निशान हमारे यहाँ पर लग गए। अब हमें अपनी ओरेप वाली साइड की तरफ एक निशान और लगाना है। बहुत ही आसान और इजी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी आप इस तरीके से बना लेंगे। सो अगर आपके पास देखिए कपड़ा कम है तो आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सीधा करके निशान लगा सकते हैं, या फिर जिसको घेरा कम चाहिए अपनी धोती सलवार में वो भी यहाँ पर बिल्कुल सीधा निशान लगा सकते हैं। और अगर आपको घेरा ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर हम देखे इस तरीके से तिरछा, जितना भी आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ कपड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल तिरछा इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर एक बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल तिरछा निशान हो गया। इससे क्या होगा कि हमारा जो इस साइड की तरफ घेरा बनेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगा। और अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो यहाँ पर आप बिल्कुल सीधा निशान भी लगा सकते हैं, इससे आपका जो घेरा है वो थोड़ा कम आएगा। अब ऊपर से जो भी हमारा ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है यहाँ पर से हम अपनी बेल्ट भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इतना जो हमने पहले ये निशान लगाया है इसकी हमें पहले तो कटिंग कर लेनी है। केवल यहाँ पर 3 ही निशान आपको लगाने हैं।
देखिए एक बार फिर से समझा दे रही हूँ आपको, यहाँ पर से बिल्कुल आपको पहले तो अपनी लंबाई का निशान लगा लेना है, ये टोटल लंबाई रखनी है आपको, यहाँ पर कुछ भी अपनी लंबाई में से कम नहीं करना, आपको पूरा बेल्ट से नीचे तक नापना है अपनी सलवार का, जो भी आप नाप रखते हैं आपको यहाँ पर यहाँ से पूरा नीचे तक सलवार का नाप लगा लेना है। इसके बाद में एक इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और जितना ओपनिंग रखना है हमें वो भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ पर हमारी एक मोहरी वाली धोती सलवार भी बनती है, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो वाली सलवार भी बनाना बताऊंगी कि इसी सलवार में आप पोचा कैसे बना सकते हैं, ये विदाउट पोचे वाली है। और यहाँ पर से आपको कुछ भी नहीं लेना, आपका जो भी घेर है, जो भी आपका कपड़े का अर्ज होता है वो पूरा आ जाएगा। अगर आपको घेर कम चाहिए तो यहाँ पर से आप सीधा निशान लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमें घेरा हम ज्यादा करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे तिरछा निशान लगाया जहाँ पर हमारा ये कपड़ा पूरा बराबर आ रहा है। अब केवल हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, उसके बाद में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये पार्ट हमारा कट हो गया, अब इसमें हमें इस साइड की तरफ अपने आसन का भी निशान लगाना है, ये हमारा चौथा निशान होगा। इस वाले पार्ट को आप हटा दीजिए और इसमें से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। आसन के लिए मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ, और अंदर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और ऊपर वाली साइड से भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को आप इस तरीके से मिला लीजिए, और यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई करनी है, और इस वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट की तरफ यहाँ पर हम कट लगा लेंगे कि हमें यहाँ पर कितना फोल्ड करना है और कितना छोड़ना है, इस तरीके का वी जैसा आपको कट लगाना है। यहाँ पर आसन का निशान लगाने के बाद अब इस साइड की तरफ भी हमें एक निशान लगाना है, जो कि हमारा ये नोक वाला साइड है, और इस साइड से आपको 2 इंच पर एक निशान लगाना है, करेक्ट 2 इंच पर, और इस साइड से भी 2 इंच पर निशान लगाइए। इस निशान को आप मिला लीजिए, ये हमारा सेंटर रहेगा जहां से हमें अपनी प्लेट्स बनानी रहेंगी, तो ये वाले पार्ट को आपको इस तरीके से कट करना होगा। तो ये हो गया हमारा सलवार वाली पार्ट कट। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हम अपना बेल्ट निकाल लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं बच रहा है या फिर आपके पास कपड़ा कम है तो आप अपनी सूट के कपड़े से भी बेल्ट को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारी बेल्ट की कटिंग हमने कर ली है, सिंपल डबल ये रखते हुए मैंने ये कपड़ा कटिंग किया है। इसकी जो लंबाई रखी है मैंने वो तकरीबन 5.5 इंच रखी है, जो कि तैयार हो गए 5 इंच आएगी। इसमें हम अपनी टोटल लेंथ रखते हैं, तो आपको जो बेल्ट बनानी है वो 4.5 इंच या फिर 5 इंच की लंबाई की बना सकते हैं, अगर ज्यादा लंबी पहनते हैं तो 5 इंच की बना लीजिए, अदरवाइज 4.5 इंच की बेल्ट आपको बिल्कुल ठीक आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये 5.5 इंच की रखी है, ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच नेफा फोल्ड करने के लिए, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर आती है बारी हमारी सिलाई करने की, तो सिलाई बहुत ही आसान तरीके से होगी। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर सिलाई कैसे करनी है, क्योंकि सिलाई करते वक्त काफी बार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है जब मैंने शुरुआत में इसको सिलाई किया था। तो अब मैं आपको देखें, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से खोलेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे 4 फोल्ड में कपड़ा होना चाहिए, 2 ये 2 ये, तो इसको आप इस तरीके से खोल लीजिए। तो इस तरीके से खोलने के बाद ये हमारे आसन वाले पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पकड़ते हुए सिलाई लगानी है इस पार्ट पर, और उधर वाले पार्ट पर आसन पर सिलाई लगानी है। ये हमारा नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये इसको सिलाई करने के बाद यहाँ पर आपकी जो प्लेट्स बनेंगी वो देखें कुछ इस तरीके से बनेंगी। ये वाला पार्ट आपका इस तरफ इस तरीके से प्लेट बनती हुई जाएंगी, और इस तरफ से आपकी ऐसे प्लेट्स आएंगी, तो ये अपोजिट साइड की तरफ आती है। नॉर्मली जो हम अपनी सलवार बनाते हैं उसकी जो आसन वाला पार्ट होता है उस साइड की तरफ हमें प्लेट बनानी होती है, बट इसमें ये बहुत ही डिफरेंट सलवार है बट बनती बहुत ही ज्यादा जल्दी है। और यहाँ पर बीच में आपका पूरा देखिए इस तरीके से घेर आएगा। तो ये वाली जो सलवार है बनने के बाद तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, बस थोड़ी सी ट्रिक है इसमें समझने की कि आपको इसे कैसे स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आसन को स्टिच करेंगे, अपने दोनों आसनों को स्टिच करेंगे। तो ये दोनों पार्ट आपस में हमारे देखिए इस तरीके से जुड़ गए हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा ये इस तरीके से आएगा, ये हमारा नीचे पैर वाला पार्ट है।
अब आपको इसे बहुत ही ध्यान से देखना है। देखें, अभी हमने कुछ नहीं स्टिच करा, केवल और केवल हमने अपने आसन को अटैच किया है। अब आपको ऊपर से इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसको हम बीच में से खोलकर अलग अलग पांचे कर लेंगे और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये इस तरीके से आपका मिलना चाहिए। ये देखें, तो ये हमारी ऐसे अलग हो जाएगी, ये दो पैर हो जाएंगे हमारे सलवार के और आसन वाला पार्ट हमारा बीच में आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने देखे ये कट लगाया हुआ है, ये यहाँ पर हमने 2 इंच का कट लगाया था, इसको आपको अब इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट्स की तरफ हमें ये इस तरीके से आ जाएगा और आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए कि इसको आपको कैसे सीधा करना है। ये हमारा बीच का आसन वाला पार्ट है, ये हमारा नीचे पैर वाला पार्ट है और इसके ऊपर ये हमारा साइड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, उसके बाद में हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। देखिए, ये दोनों पार्ट्स हमारे कुछ इस तरीके से स्टिच हो जाएंगे। अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि इसमें हमें प्लेट्स कैसे डालनी है। तो ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है इस वाले पार्ट में, ये देखिए यहाँ पर अभी हमने सिलाई लगाई है, इसको आप इस तरीके से सीधा कर लीजिए और यहाँ पर हमें ये इस तरीके से देखें घुमाव जैसा आ जाएगा। यहाँ पर हमें ऐसे करके प्लेट बनानी है, ये देखिए इस तरीके से। ये एक ओवरव्यू के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको प्लेट यहाँ पर कैसे बनानी होंगी। तो ये एक साइड से ऐसे प्लेट आएगी और ये दूसरी साइड से कुछ ऐसे प्लेट आएगी। ये देखिए, ये अभी मैंने इतनी ही प्लेट डाली है, वैसे आपका बेल्ट के हिसाब से यहाँ पर प्लेट डलेंगी। तो ये ऐसे आपका जो घूम वाला एरिया है ना, वो ऐसे आपका बिल्कुल बीच में सेंटर में आ जाएगा। तो आपको इसे थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि हमें यहाँ पर प्लेट कैसे बनानी है। तो ये देखिए, अब आप हम इसको दोबारा से वैसे ही मिला करके रख लेंगे जैसे हमने अभी बिछाया हुआ था। आसन वाले पार्ट आपके बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए और यहाँ पे देखिए जो हमारी बेल्ट है मैंने वो भी स्टिच कर ली है। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर बेल्ट को सिल लिया है। यहाँ पर से मैंने इसको थोड़ा सा खुला भाग रखा है क्योंकि यहाँ पर हम कमर बंद डालेंगे। अगर आप लास्टिक डालना चाहते हैं तो आप लास्टिक भी डाल सकते हैं। अब ये आसन वाले पार्ट को बिल्कुल अपनी बेल्ट के सेंटर से इस तरीके से मिला करके रखिए। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ से आधा करेंगे और यहां से हम इसको आधा करेंगे और अपने सलवार के ऊपर हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। दोनों साइड्स की तरफ आपको एक एक निशान लगा लेना है। ये देखिए, तो यहां से हमारा जितना भी पूरा पार्ट बच रहा है यहाँ पर पूरे में हमें प्लेट डालनी है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था सेंटर में एक प्लेट इस साइड से आएगी, एक प्लेट इस साइड से आएगी। तो वैसे हम नॉर्मली जो सलवार में प्लेट डालते हैं वो हम ऐसे डालते हैं, हमारे आसन के हिसाब से डालते हैं। बट धोती सलवार में हमारी जो प्लेट है वो साइड में आती है। तो ये जो हमने यहाँ पर कट लगाया है यहाँ पर ही हमारी प्लेट आएगी। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इस कपड़े को पकड़ेंगे और कट लगा लेंगे जिससे कि हमें पता रहे कि हमें कहाँ तक प्लेट बनानी है। तो इतना पार्ट हमारा केवल ये खुला रहेगा, बाकी हमारा यहाँ पर पूरे में प्लेट बनेंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी ही प्लेट डालेंगे और थोड़ी थोड़ी दूर दूर पर प्लेट डालेंगे जहां तक हमने यहाँ पर ये कट लगाया हुआ है। ये देखें, ये हमारा कट है, यहाँ तक हमें पूरे में प्लेट डालनी है, इस साइड की तरफ भी, इस साइड की तरफ भी। यानी कि हमें यहाँ पर चार साइड्स की तरफ प्लेट डालनी है, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ और दोबारा से इस वाले पैर में, एक बार इस साइड से, एक बार इस वाली साइड से। तो चलिए अब हम इसमें प्लेट डाल लेते हैं। तो ये हमारी देखिए एक साइड की प्लेट डल गई है। अब ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है, इसको आप इस तरीके से घुमा लीजिए और इस साइड की तरफ भी हम ऐसे ही प्लेट बनाएंगे। ये देखो, एक पार्ट पर हमने पूरे में इस तरीके से प्लेट्स बना ली हैं। तो देखिए सेंटर पे कुछ इस तरीके से पूरे में ये ऐसे गोल गोल घेरा आएगा। अब उस वाली साइड की तरफ भी मैं सेम ऐसे ही प्लेट्स बना लूंगी।
अब इसको हम बेल्ट से नापेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आप रख रख लीजिए अपनी बेल्ट बिल्कुल इस तरीके से, और दोनों साइड से हमारा देखें इतना इतना कपड़ा ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जब हम बेल्ट लगाएंगे तो अपनी यहाँ पर एक एक प्लेट, आपको देखें यहाँ पर एक प्लेट इस तरीके से दोनों साइड की तरफ एक एक प्लेट हमारी आ जाएगी। तो ये जो प्लेट है हमारी इस तरीके से ये सेट आ जाएगी। तो अब हम बेल्ट स्टिच करेंगे और इसके साथ ही साथ में जो भी हमें यहाँ पर प्लेट बनानी है वो भी इसके साथ में बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये पूरा इस तरीके से सीधा हो गया है और यहाँ से हमारा घेर आएगा। तो जब मैं इसको पूरा पहन के दिखाऊंगी तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमें इसका केवल नीचे का फिनिशिंग करना है। तो देखिए इसमें जो हमने ये इतना ओपनिंग पार्ट रखा था इसको हमें देखें इस तरीके से मोड़ना है। यहाँ पर जो हमने कट लगाया हुआ था इस कट से नीचे नीचे आपको इस तरीके से एक बार और ये दो बार ऐसे मोड़ेंगे, इस तरफ सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ऐसे ही इस तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए नीचे वाले पार्ट को हमने मोड़ लिया है और ये उल्टी साइड से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नीचे की साइड पर आपकी ऐसी एक नोक आनी चाहिए। अब इस वाले पार्ट को आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो आप कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए फ्लावर वाली लेस लगाई है, लेस ली है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने सिलाई लगाना शुरू किया है उस पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे, सीधा करके ही रखना है आपको। और यहाँ पर हम एक बार इस तरफ सिलाई लगाएंगे, ऐसे पूरे में जहां तक हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें लेस में दोनों साइड्स की तरफ सिलाई लगानी पड़ेगी, एक बार इस साइड की तरफ एक बार इस साइड की तरफ। तो इसको हम सिंपल इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। देखिए जो लेस है हमारी वो कुछ इस तरीके से आ गई है, दोनों साइड्स पर हमने सिलाई लगा दिया है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाली है, मुझे अभी से लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट बना है ब्लू एंड व्हाइट का। अब देखिए इसको आप उल्टा कर लीजिए और अपने साइड्स को आप आपस में ऐसे मिला लीजिए। देखिए इस तरीके से आपकी जो नोक वाला पार्ट है वो ऐसे निकला हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर आप कितने इंच की इसको ओपनिंग देना चाहते हैं, तो जैसे कि हेल्दी लेडीज हैं आप उनको 6.5 इंच की ओपनिंग 7 इंच की रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 6 इंच की ओपनिंग रख रही हूँ या फिर आप 6.25 रख लीजिए। तो यहाँ पर यहाँ से हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, पूरे में घुमाते हुए नीचे तक ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पाँव में भी हमें इतनी ओपनिंग रखनी है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो सलवार है वो इस तरीके से बन करके रेडी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। देखिए घेर भी हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया है। इसका जो घेर होता है ना वो साइड में होता है, तो आप इस पे कितनी भी लंबी कुर्ती बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पूरा मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, उनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मेक श्योर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। And also don't forget to like, share and subscribe to my channel.